हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। और हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे कि कुल आपके पास कैश थे 500, एक सिक्के को दो बार उछाला गया जिसके अंदर 500 बार उछाला गया था, जिसमें हमको दो चित प्राप्त हुए थे 105 बार, जिसकी प्रेक्षता हमने ज्ञात कर ली थी, 0.21 आई थी, 0.21 आई थी। इसके बाद एक बोला है कि एक चित प्राप्त हुआ है 275 बार और कोई भी चित नहीं है 120 बार, तो इन दोनों की अपने को प्रेक्षता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक चित आने की प्रायिकता। एक चित आने की प्रायिकता देखो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बच्चे देखें, मैं लिख रहा हूँ एक चित आने की प्रायिकता। देखो केस कितने हैं अपने पास, 275 बटे में कुल केस कितने हैं 500। तो आप क्या करोगे, 5 से काटोगे, सबसे पहले 5 से भाग लोगे, 5 एकम 5 100 बार कटेगा ये, 5 से 275 को काटोगे तो कितना, 5 × 5 = 25, 55 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 55/100। अब ये देखो बटे में अगर 100,000, 10,000 ऐसी कोई संख्या है तो इसका एक प्रॉफिट है अपने को कि जितने अपने पास जीरो है ना उतना नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, डायरेक्टली भाग देने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर, आपको जितने जीरो है उतना नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दो जीरो आपके पास दिख रही है तो दो नंबर ऊपर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 0.55। ये इसकी एक चित आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। सेम मैं कहता हूँ कि कोई भी चित नहीं आने की, देखो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता किसकी प्रायिकता चाहिए आपके पास, कोई चित नहीं। तो देखो कोई चित नहीं आने की प्रायिकता, देखो चित आने की प्रायिकता 0.55 है और कोई नहीं आने की प्रायिकता भी ज्ञात करते हैं। देखो कोई भी नहीं आने के केस कितने अपने पास, 120 है, ठीक है, और कुल परिणाम कितने आपके पास 500। तो देखिए काटो इसको, 5 से काटोगे 100 बार कट गया, 5 से इसको काटोगे तो 24 पंजे कितना होता है 120 होता है, तो कितना आ गया 24/100। तो इसमें भी सेम दो नंबर छोड़ के क्या लग जाएगा आपके पास, पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.24 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चे, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें आप कोई भी जो केस बन रहे हैं, जितने भी केस बन रहे हैं सभी की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सकती है। पर इसमें सबसे कॉमन बात यह है कि अपोन में सबके 500 आ रहे हैं, देखो फॉर्मूले में क्या होता है, अपोन में क्या आता है, टोटल केस आते हैं बच्चे, टोटल केस और ऊपर संभावित मान आते हैं, कुल प्रेक्षण जितने बन रहे हैं, और यहाँ बटे में कितना होता है कुल प्रेक्षण, प्रेक्षण जो संभावित है और बटे में कुल प्रेक्षण, ऐसे प्रोबेबिलिटी ज्ञात होती है। सपोज करो एक मिनट, हाँ जी, अब आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जो बड़ी बड़ी से हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चनों को, ठीक है, और करके देखिए, फिर मैं इनको कराता हूँ अभी, फिर वीडियो स्टार्ट करके आप अपने उत्तर की जांच करना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोलते हैं इसके अंदर, एक पासा 1000 बार उछाला जाता है, ठीक है, और तो प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 को बारंबारता सारणी में दिया गया है, ठीक है। अब पासे को उछालोगे तो आपके पास 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, ठीक है, और उनकी जो आने की जो बारंबारताएँ हैं कि कितनी बार वो प्राप्त हुए अपने को नंबर, वो बारंबारता आपको दी गई है, जैसे 1 आया 179 टाइम, 2 प्राप्त हुए 150 बार, 3 प्राप्त हुए 157 बार, इस प्रकार से संख्याएँ अपने को प्राप्त हुई है, ठीक है बच्चे। तो प्रत्येक परिणाम आने की आपको क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें आंसर में भी डालता हूँ, आंसर अपने करते हैं इसका, तो सबसे पहले क्या आता है, एक, क्या कहते हैं, एक आने के प्रायिकता, देखो एक आने की प्रायिकता, एक आने की बारंबारता कितनी है, बट क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखता हूँ बारंबारता बटे में कुल परिणाम, देखो एक कितनी बार आया है, 179 अपॉन में कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, 1000 बार उछाला गया ना सिक्के को, तो देखिए कितना हो जाएगा ये, देखो अब डायरेक्ट है, डिवाइड लगाने की भाग करने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो है तो 3 नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 179, 3 नंबर छोड़ के आपका लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 0,
तो 0.179, ठीक है। सेम इसी में मैं बोलता हूँ दो आने की प्रायिकता, पहले एक आने की प्रायिकता, अब दो आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दो कितनी बार है आपके पास, 150 बार, बटे में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब आप तीन नंबर ऊपर है, तीन नंबर जीरो नीचे है, तो तीन नंबर छोड़ के आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे 0.150, ठीक है। अब इसको आप 0.150 नहीं बोल सकते, मैं आपको बता दूँ 150 नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे 0.150। अलग अलग नंबर डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे वो अलग अलग बोले जाएंगे आपके, ठीक है। सेम इसी में आप 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्ञात कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 157/1000। देखो एक 3 कितनी बार आ रहा है, 157 बार आ रहा है, और टोटल केस अपने पास कितने 1000 हैं, ठीक है बच्चे। तो तीन नंबर छोड़ आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे 0.157, ठीक है। इसी प्रकार से 3 आने की, इसी प्रकार से 4 आने की, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो आप स्वयं करके देखें। तो आप, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने मतलब स्वयं जितने अपने आप जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही बेटर आपको ये समझ आएगा। अब 4, 5 और 6 की संभावना जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आप स्वयं करके देखें, फिर आप इसमें मतलब कमेंट में लिखना, या फिर अगर कमेंट सेक्शन है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर अपने आ जाते हैं 4 पर। इसमें क्या बोला है देखिए, टेलीफोन का एक पृष्ठ है, टेलीफोन का एक पृष्ठ है, और इसमें 200 अंक है, 200 अंक दिए गए हैं, और इकाई के अंक आने की बारंबारता आपको दी गई है, क्या दी गई है, अंक 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, और बारंबारता आपको दे रखी है 22, 26, 22, 22, इस प्रकार से आपको प्रायिकता दे रखी है, ठीक है बच्चे। अब क्या कहता है, इसमें एक अंक यादृच्छा चुने जाते हैं, तो इकाई का अंक 6 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, अपने को इकाई का अंक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले आंसर में देखिए, इकाई का अंक 6, देखिए सारणी में देखो 6 कितनी बार आ रहा है, 14 बार आ रहा है, तो यहां मैं लिखूंगा इकाई का अंक 6 आने की प्रायिकता, ठीक है। 6 कितनी बार आ रहा है आपके पास, देखिए 6 कितनी बार आ रहा है, 14 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 14 बार, और कुल केस कितने अपने पास, कुल केस कितने हैं, 200, तो बटे में कितना करूँगा मैं, 200। देखिए अब 14 के बटे में 200 है, तो मैं यहाँ पर 100 बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 से काटूँगा ऊपर नीचे, 2 का भाग दूंगा, तो 2 से भाग दूंगा, तो 2 से 7 बार ये चला जाएगा, 2 से 14 और ये 100 बार, तो कितना आ जाएगा, 7/100। अब 7/100 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, ऊपर कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो आपको 2 जीरो बटे में है, तो 2 नंबर छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, पहला नंबर तो यही रहेगा, दूसरा नंबर आप जीरो लगाकर लेके आ सकते हैं। देखो किसी भी संख्या के पहले जीरो लगाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 077 ही रहेगा, और 2 नंबर छोड़ के आपको क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास, 0.07। इस प्रकार से क्वेश्चन में तो आपको बोला था इकाई का अंक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको केस लेके चलता हूँ इसके अंदर, अब इकाई का अंक मैं बोलता हूँ, इकाई का अंक कितना आना चाहिए, मान लीजिए 9 आने की प्रायिकता, इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 9 आने की प्रायिकता, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9 कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है, देखिए सारणी में कितनी बार आ रहा है, 9 20 बार आ रहा है, और कुल केस अपने पास कितने हैं, 200। देखिए 0 से 0 तो कट हो रही है ये, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 दया 20, तो कितना हो जाएगा, 1/10, तो कितना हो जाएगा, 0.1 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन का था, ये मैं केस फर्स्ट लेके चल रहा था, अब मैं लेके चल रहा हूँ इसके अंदर केस सेकंड। अब आपको इकाई का एक अंक ना बोल के ये कहता कि इकाई के अंक, इकाई का अंक 0, 0, 1 और 6 आने की प्रायिकता, एक साथ 0, 1, 6 आने की प्रायिकता। अब देखिए 0 कितनी बार आ रहे हैं, 0 देखिए कितनी बार आ रहा है, 22 बार, ठीक है, 1 कितनी बार आ रहा है, 6
26 बार, और 6 कितनी बार आ रहा है आपके पास, 14 बार, ठीक है, 6 कितनी आ रहा है, 14 बार। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे, कुल केस निकालोगे, 6 4 10 और 2 12, एक आंसर, एक और 2 और 2 4, एक 5 और एक 6, कितना आ गया, 62 आ गया, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो एक कितने केस बन रहे हैं इसके, 62 केस बन रहे हैं, और टोटल केस आपके पास कितने हैं, 200 है, टोटल केस अपने पास कितने हैं, 200 हैं। तो भाग लगाएंगे अपने फिर से, 2 का 31 दुना 62, ये 100, कितना आ गया, 31 बटे में 100, यानी कि दो नंबर छोड़ के आप लगा दोगे पॉइंट, कितना आ जाएगा, 0.3, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ जो आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे, ठीक है। एक पासे को पांच सौ बार उछाला है, तो आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अभाज्य संख्या यदि 235 बार प्राप्त हुई तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सबसे पहले ये करना, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा फिर भी करने की ट्राई करना। दूसरा मैं बोलता हूं कि 6 यदि 285 बार आया तो प्रायिकता ज्ञात करो, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी ज्ञात करनी है, 6 आने की, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप करके देखना, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू।